विशेष अतिथिगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जुएल ओराम जी, अपने NTRI की स्पेशल डायरेक्टर नूपुर तिवारी जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, SC ST के चेयरमैन हैं अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के, और डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे ST कमीशन की मेंबर्स हैं, तो ऐसे महानुभव हमारे बीच उपस्थित हैं। और यह कार्यक्रम अपने जनजाति समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार के माध्यम से हम जितने भी प्रवासी झारखंड के लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी इस मौके पर सभी आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और हम लोग इसको खुशहाली मनाते हैं, करम देवता का आशीर्वाद लेते हैं। यह करम देवता भादो के एकादशी में किया जाता है, परंतु हम लोग इसको 5-7 दिन पहले ही हम इसकी करम पूर्व संध्या के तौर पर हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और मना रहे हैं। और अपने आप में हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा न्यूज़ को आप लोग देश और दुनिया के सभी जगहों में पहुंचाएंगे। करम देवता का पूजा की जाती है, पूजा उपासना होती है, जिसमें उपासीन होती हैं कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो व्रत के बाद में करम देवता का पूजन होता है और उनसे प्राप्त की जाती है, आशीर्वाद प्राप्त की जाती है। और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, जो गांव में तो रात भर चलता है, परंतु यहां हम लोग दिन में मनाने का मकसद है कि भाई यहां दिल्ली जैसे महानगर में संभव नहीं है कि किसी के पास आंगन नहीं होता है, यहां लोग फ्लैट में और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो ये आंगन में ही गाड़ा जाने वाला त्यौहार है। तो इसलिए हम लोग इंडोर स्टेडियम में हम सब जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं उनको हम लोग आमंत्रित किया है। पर्व त्यौहारों को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला है, तो हमारा भी अनुरोध है भारत सरकार से कि हमारा इस करम पर्व को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। दिल्ली में आज 30 लाख आदिवासी यहाँ पर निवास करती है, परंतु अपनी स्टेटस के लिए यहाँ पर मोहताज है। समस्त देशवासियों को करम पूर्व संध्या की बधाई देती हूँ, और आगामी करम पर्व जो 15 तारीख को है उसके लिए भी मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है हम लोग दिल्ली में पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, करम पूर्व संध्या महोत्सव। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जितने भी जनजाति समाज हैं यहाँ पर दिल्ली में, उनको एकजुट करना, एक मंच पे लाना, ताकि जब भी उनको किसी भी तरह की समस्या आए तो एक हम लोगों का एक बना होना चाहिए सामाजिक, जो है एक संगठन, एक मजबूती, जो हर समस्या में उनके सामने उनके साथ खड़ा रहे। हमारा संस्था का यही उद्देश्य है कि जनजातीय समाज जो यहाँ पे विस्थापित होके आ रहे हैं दिल्ली में, उनको किसी भी तरह का कोई भी मतलब उनको पहचान नहीं मिली है, उनकी पहचान की लड़ाई है हमारी। लेकिन ये जो हम कर्म पूर्व संध्या कर रहे हैं, ये भी हमारी एक लड़ाई है। जो कर्म पूजा होता है पिछले 20 साल से हमारी संस्था ही यहाँ पे कर रही है, और पता नहीं कितने सालों से यहाँ विस्थापित लोग हैं, लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं भी इसका एक मतलब जहाँ पे होता है, झारखंड को छोड़ करके, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम, 8-10 स्टेट में जो है बिहार, ये कर्म पूर्व मतलब कर्म पर्व मनाया जाता है, जो एक मतलब प्राकृति पेड़ है उसकी पूजा होती है, आज जनजातीय समाज करती है। तो देश में इसके लिए कोई संदेश तक नहीं जाता है, ना हमारे जो सरकार है उनके तरफ से, ना हमारे महामहिम हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो मेरा आपके इस मीडिया के माध्यम से समस्त देश के जितने भी महामहिम हैं हमारी, वो खुद हमारे आदिवासी जनजाति समाज से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अभी बिरसा मुंडा जी को एक बहुत अच्छा उन्होंने पहचान दिलवाया, उनके जन्म को उन्होंने आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान पूरे देश से किया, उसी तरह से मेरा उनसे विनम्र विनती है कि जो कर्म पूजा होने वाली है अभी 15 तारीख को, कम से कम देश के नाम एक संदेश जो है वो जारी हो कि कर्म पूजा महोत्सव के लिए, कर्म पूजा के लिए पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के तरफ से, महामहिम की तरफ से एक राष्ट्र के नाम संदेश जाए, यही हमारी मुख्य उद्देश्य कि ये हाँ आदिवासी जो है पहली जनजाति रही है जो पूरे इंडिया में ही क्या, वो पूरे दुनिया में, तो इन लोगों को का स्पेशल स्टेटस। मंत्री मोदी जी
एक गौरव का प्रेम हमको लोगों को दिया है कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी का इतना बड़ा गौरव दिया है, हमारे बहन राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज से किया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक गौरव है। हम लोगों का राजनीति में आने का मौका दे, क्योंकि हम भी असेंबली में आए, सांसद में आए, अपनी आदिवासी समाज का दिल्ली ये मुद्दा अपनी बात जो संपर्क है जल जंगल जमीन से, तो हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी, हमारी जो कल्चर है, आप बड़े बड़े कार्यक्रम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखते होंगे, तो उसमें आपको आदिवासी कल्चर नज़र आएगा, नॉर्थ ईस्ट से लेके सभी राज्यों के आपको वहाँ पे कल्चर नज़र आएंगे।